यू नो वॉट, आफ्टर बार कॉर्ड्स ये जो कॉर्ड शिफ्टिंग वाला इशू है ना, ये सेकेंड नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी फॉर्मेट में देख लें, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है कॉर्ड शिफ्टिंग में। तो आज के लेसन के थ्रू हमने ट्राई किया है कि हम आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा ईज आउट कर पाएं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये टिप आपके इतने काम में आ जाए कि आप धड़ल्ले से कॉर्ड चेंज कर पाएं। दिस इज फ्रंट रो, माई नेम इज अक्षय एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो आज के लेसन में हम आपको बताने वाले हैं दो एक्सरसाइजेस जिनके नाम हैं एयर कॉर्ड्स और टच योर नी। ये दो ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हो सकता है आपका जो ये गिटार नहीं कॉर्ड शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम है ये अच्छे से सॉल्व कर पाए, बिकॉज पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें और जो मेथड्स हैं। तो अगर आप प्रॉपरली ट्राई करेंगे, आई एम श्योर कि ये जो ट्रिक्स हैं आपकी ज़रूर से हेल्प करेंगी और आप अच्छे से कॉर्ड शिफ्ट कर पाएंगे। चलिए तो बात करते हैं पहली एक्सरसाइज के बारे में। जो ये एक्सरसाइज है, इसमें इसका नाम जो है वो है टच योर नी एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, जो भी आप कॉर्ड प्ले कर रहे हैं आप उसको एक बार प्रॉपरली होल्ड कीजिए, चेक कीजिए, देन लीव इट, टच योर नी एंड कम अगेन, देन चेक अगेन, देन लीव इट, टच योर नी एंड कम अगेन। अब धीरे धीरे आपको ये जो प्रोसेस है ये पास करनी है। तो जब बार बार आप अपना हाथ छोड़ते हैं, नीचे रखते हैं और फिर जब वापस लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉर्ड पे, तो आपकी फिंगर्स को नॉर्मल पोजीशन से उस पोजीशन में आने की बार बार एक तरीके से हैबिट होने लगती है। अब ये टोटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितनी बार करनी है। देर इज नो पर्टिकुलर नंबर दैट आई कैन टेल यू, है ना, कि 100 बार कर लो हो जाएगा, 500 बार, हो सकता है 1000 बार भी करना पड़े। बट यू हैव टू कीप इन माइंड इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स। सो प्ले द कॉर्ड, लीव इट, टच योर नी, कम अगेन एंड प्ले द कॉर्ड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टच योर नी एक्सरसाइज, और अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो आई होप आपका जो भी कॉर्ड आपको शिफ्टिंग में दिक्कत आ रही है, ये पहले इंडिविजुअल कॉर्ड्स के एक्सरसाइज के लिए होता है, पता है, कि जैसे आप मानिए आप सी से डी जा रहे हैं, तो कोई एक कॉर्ड होगा जिसमें ज्यादा गड़बड़ हो रही होगी कि आपसे डी नहीं लगता या आपसे सी नहीं लगता या आपसे जी नहीं लगता सही टाइम पे। तो पहले आप इंडिविजुअली हर कॉर्ड को इस तरीके से प्रैक्टिस करें एंड देन यू मूव टू द प्रोग्रेशन पार्ट, कि ठीक है आप एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो ये एक्सरसाइज है विल हेल्प यू। जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसका नाम हमने रखा है एयर कॉर्ड्स। एयर कॉर्ड्स क्या हैं, कि देखिए जब आप एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी से डी जा रहे हैं, तो एक तरीके से उस कॉर्ड पे आने से पहले ही आपकी फिंगर्स है ना मूवमेंट देने लग जाती हैं कि आपको किस शेप में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे डी के लिए जाना है, तो तीनों फिंगर जो तीनों स्ट्रिंग है वो कॉन्सिक्यूटिव है, तो तीनों फिंगर को क्लोज होना पड़ेगा। तो जैसे मैं डी लगाने जाता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी फिंगर्स श्रिंक होने लगती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्लोज क्लोज ये चीज़ मेंटेन करनी है। ठीक है, दूसरा जैसे जी है, तो जी में मुझे पता है कि मुझे मिडिल फिंगर ऊपर रखनी है, लिटिल फिंगर नीचे रखनी है। तो इस केस में क्या होगा कि मैं हवा में ही इन द एयर आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ओके आई हैव टू एक्सपेंड माय फिंगर्स, बिकॉज मेरा जो मिडिल फिंगर है वो छठे स्ट्रिंग पे आने वाला है और मेरा जो लिटिल फिंगर है वो फर्स्ट स्ट्रिंग पे आने वाला है। तो इट इज नॉट पॉसिबल इफ आई कीप माई हैंड लाइक दिस, है ना, आई हैव टू एक्सपेंड माई हैंड, एक्सपेंड माई फिंगर्स, कि जिससे मैं मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर को इतना एक्सपेंड कर सकूँ कि वो छठा स्ट्रिंग और पहला स्ट्रिंग कवर कर पाए। तो इस एक्सरसाइज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास गिटार नहीं भी है, मानिए आप टीवी देख रहे हैं, है ना, ये जो दोनों एक्सरसाइज मैंने आपको बताई ना, ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्ले करने की जरूरत नहीं है। नो डाउट पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बोला है कि एक एक चेक करके देखें, बट ठीक है, जस्ट इन केस इफ यू वॉन्ट टू यूज योर टाइम बेटर, यू आर वॉचिंग एनी मूवी, जस्ट सिट विद योर गिटार एंड ट्राई डूइंग इट, है ना। पहले देख के करें फिर बिना देखे करें। देख के इसलिए करें क्योंकि पहली बार ट्राई कर रहे हैं आप, लेकिन जब धीरे धीरे आपकी आदत होने लगेगी ना, तो यू विल नोटिस, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बट मेरी फिंगर्स दे नो वॉट टू डू, दे नो वेयर टू गो, वाई, बिकॉज आई हैव रिपीटेड द सेम प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, तो वो ऑटोमेटिकली उस ऑटो पायलट वाले मोड में आ जाती है ना। जैसे मैं एक पर्सनल शेयर करूँ चीज, जैसे आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार,
और जब मैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक में अपना टू व्हीलर एक तरीके से राइड कर रहा होता हूँ, तो मुझे कई बार ऐसे बहुत ताज्जुब होता है कि लोग ऐसे क्लोज ट्रैफिक में कैसे कार चला लेते हैं, कैसे उनको ब्रेक एक्सीलेटर कैसे पता लग जाता है, अगर गलत जगह पैर पड़ जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है एंड ऑल। बट वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग यू गेट इट, है ना, आप यूज टू हो जाते हैं एंड इट गेट्स वेरी कंफर्टेबल। सेम कंफर्टेबिलिटी रूल अप्लाइज हियर ऑल्सो, कि जैसे से आप उसको करेंगे, मल्टीपल टाइम्स ट्राई करेंगे, यू विल गेट स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल। एंड बिलीव मी, इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ पेशेंस, है ना। होता ही है कि हम करने वाले होते हैं बस, लेकिन वो पेशेंस हमारा जवाब दे जाता है और हम सोचते हैं ये तो हो ही नहीं रहा है। तो प्लीज ऐसा ना करें। ये जो दो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, एक तो टच योर नी और एक जो ये दूसरी है कि आपको हवा में ही वो कॉर्ड लगाने के लिए सोच लेना कि अच्छा डी लगा रहा हूँ तो मेरी फिंगर्स क्लोज रहेंगे, सी लगा रहा हूँ तो आई हैव टू एक्सपेंड माई फर्स्ट 3 फिंगर्स, तब जाके मैं एक्सपेंड कर पाऊंगा। तो आई होप ये दो एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्प करें। तो हमेशा की तरह मैं ये होप रखता हूं कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे ये लेसन। बट उसके लिए जरूरी है आपकी तरफ से जो अटेम्प्ट होगा ना, वो सिंसियर होना चाहिए। आपको देखिए, हम आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, करने वाले आप हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखिए कि जहां से भी आप जो भी चीज देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू अप्लाई दैट। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग इट, आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, उसमें लूज कर रहे हैं, तो फिर अच्छी से अच्छी जो ट्रिक होगी ना, वो भी बिल्कुल काम नहीं करेगी। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। तो वो आपको ध्यान में रखना है। दो एक्सरसाइजेस हम लोगों ने आज सीखी हैं, टच योर नी एंड एयर कॉर्ड्स, कि आपको हवा में ही कॉर्ड्स लगाने का एक तरीके से मेंटल वो रखना है कि हाँ मैं डी लगा रहा हूँ तो मेरी फिंगर क्लोज होनी चाहिए, मैं सी लगा रहा हूँ तो दूर होनी चाहिए। एंड टच योर नी में यू टच योर नी एंड देन कम अगेन, देन लीव, देन टच योर नी, देन कम अगेन। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट बेटर विद कॉर्ड शिफ्टिंग्स। तो अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर से बताइए कि एक्सरसाइजेस आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं। और आप हमें सब्सक्राइब तो कर ही रहे ना, हाँ हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन रहता है कि ठीक है और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाना है, इतने सारे लोग पसंद कर रहे हैं। एंड प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, खुद का ख्याल रखिए और यू नो वे टू फाइंड।